दुनिया में तू खो मत जाना, मौत खड़ी है लेके निशाना, कब्र ने रखा है मुंह खोल, एक दिन वंजना रब दे कोल। एक आदमी अपने बुजुर्गों के पास जाता है, कहते हैं हजरत रात मैंने बड़ा अजीबोगरीब ख्वाब देखा, मैं बहुत परेशान हूँ। वो ख्वाब ये था कि मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे पीछे शेर लगा हुआ है, शेर से मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन शेर मुझे छोड़ ही नहीं रहा। दौड़ते दौड़ते जब मैं पहुँचता हूँ आगे दलदल आ जाती है, जब दलदल को देखता हूँ, दाएं बाएं देखता हूँ, मुझे दौड़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता। पीछे मुड़कर देखता हूँ, शेर भी मेरे करीब आ चुका होता है। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए एक दरख्त होता है उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। जब उसके ऊपर चढ़ता हूँ तो उस दरख्त की एक टहनी होती है, जाके उसके ऊपर मैं बैठ जाता हूँ। जैसे भी मैं बैठता हूँ देखता क्या हूँ कि उसी टहनी को दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद है और एक काला है। मैं जब उसको देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ और रोने लगता हूँ कि या अल्लाह अगर ये कट गई तो मेरा क्या होगा। जब नीचे देखता हूँ तो शेर भी मुंह खोल के खड़ा है, तो मैंने कहा जैसे भी अब कटेगी मैं सीधा शेर के मुंह के अंदर चला जाऊंगा। इस परेशानी के अंदर रो रहा होता हूँ, सामने देखता हूँ उसी टहनी के ऊपर कोई मीठी चीज लगी होती है, मैं उसको लेकर अपने मुंह में डालता हूँ, इतना मजा आ जाता है, मैं मगन हो जाता हूँ, इतना मगन हो जाता हूँ कि मैं शेर को भी भूल जाता हूँ, दरख्त को भी भूल जाता हूँ, काले और सफेद चूहे को भी भूल जाता हूँ। इतने में मेरी आंख खुल गई, हजरत मुझे इसकी ताबीर दीजिए। तो बुजुर्गों ने फरमाया बेटा ये जो शेर तेरे पीछे दौड़ रहा था ये तुम्हारी मौत थी, जिस दरख्त के ऊपर आप बैठे थे ये तुम्हारी जिंदगी थी, और जिसको दो चूहे काट रहे थे वो जो काला चूहा था वो रात थी, जो सफेद चूहा था वो था, ये तेरी जिंदगी के दिन काट रहे हैं, और वो जो शेर नीचे खड़ा था वो तो मौत थी ना, तो वो मौत थी तुम्हारी, तो अब तो सीधा, और वो मीठी चीज जो खाई आपने वो मीठी चीज दुनिया की लज्जत थी, उस दुनिया की लज्जत के अंदर तू इतना मगन हो गया, इतना मगन हो गया कि तू सब चीजों को भूल गया। तो ये है इंसान की जिंदगी। इस दुनिया में बड़ा आदमी बनने के लिए छोटे रास्ते मत अख्तियार करो, अपनी अल्लाह की याद में रहो, जिक्र अस्कार में रहो, अस्तगफार में रहो, खुदा के लिए तीन तस्बीह रोजाना पढ़ लिया करो, एक दुरूद पाक की, एक ला इलाहा इल्लल्लाह की और एक अस्तगफार की। अल्लाह आपको सलामत रखे।